दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th भैया मैं ससुराल से आ रहा था घर शास्त्री नगर राम भवन से मेरे से 500 रुपए मांगे हैं रवि गुजराती है उसने 500 रुपए मांगे थे बोले थे 500 रुपए तेरी गाड़ी चला देंगे नहीं तो चाकू मार देंगे किसने कहा था ये रवि गुजराती था अच्छा। तो उसने बोली तड़ी थी 500 रुपए दे रहे थे चाकू मार देंगे मैं गाड़ी छोड़ के घर भाग गया उसने गाड़ी में आग लगा दी किस बात के 500 मांगे थे पता नहीं भैया किस बात पे 500 रुपए मांगे उसने मांगे भैया क्या हम बोले मैं दारू पीऊंगा मेरे को 500 रुपए दे रवि गुजराती ने उसका हाँ मैं भाग गया छोड़ चप्पल छोड़ के वहाँ से भाग गया हाँ चाकू मारने की धमकी दे रहा था वो मैं वहाँ से छोड़ के भाग गया गाड़ी कौन सी थी डिलक्स थी से मैं नई की नई गाड़ी में गाड़ी चढ़ा दी उसने गाड़ी नंबर याद है गाड़ी नंबर सब मुझे याद नहीं मेरे क्या गाड़ी नंबर है उसने मेरे को चाकू की धमकी दी मैं गाड़ी छोड़ के चप्पल ओढ़ के वहाँ से भाग गया क्या मुकदमा आप दर्ज कर रहा हूँ सर मैं आपका नाम कौन सा मेरा नाम शनि गोयर है क्या तांबे से हरिजन बस्ती क्या मेरा नाम शनि गोयर आज दिन में सूचना मिली थी कि ट्रांबे स्टेशन पर आदर्श डिग्री कॉलेज है उसके सामने एक व्यक्ति हैं जिनने सनी की मोटरसाइकिल जला ली है मौके पर गए थे तो एक मोटरसाइकिल वहां जली हुई अवस्था में मिली थी और प्रार्थी सनी सन ऑफ शंकरलाल उम्र 30 वर्ष जो ट्रांबे स्टेशन के रहने वाले हैं उन्होंने थाने पर उपस्थित होकर रवि पुत्र गोवर्धन लाल के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की कि मैं जब अपने ससुराल से अपने घर आ रहा था तब रास्ते में गोवर्धन ये रवि पुत्र गोवर्धन लाल मिला और उसने उसे पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उसे मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसकी मोटरसाइकिल में आग जला दी जो मोटरसाइकिल लगभग पूरी जल चुकी है प्रार्थी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी सर के पुराने रजिस्ट्रेशन उस संबंध में अनुसंधान जारी हैं 35 के अंदर ये जो भी तथ्य होंगे वो सामने आ जाएंगे